दिल्ली में लगातार हो रही सीलिंग के विरोध में अब कारोबारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि सीटीआई द्वारा अमर कॉलोनी और लाजपत नगर में सीलिंग की शवयात्रा निकाली जाएगी। सीलिंग के विरोध का दूसरा दिन है। लगातार हो रही दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ अब व्यापारी लामबंद हो गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। और खबर आपको बता रहे हैं कि कल जब पूरे दिन दिल्ली बंद रही, दिल्ली के बाजार बंद रहे, दिल्ली के तमाम बाजारों में सन्नाटा छाया रहा, आज भी व्यापारियों की प्लानिंग है। आज सीलिंग के विरोध का दूसरा दिन है, आज भी सीलिंग की शव यात्रा निकाली जाएगी, सीलिंग की अर्थी निकाली जाएगी। लाजपत नगर के व्यापारियों के द्वारा ये सीलिंग का विरोध किया जाएगा। कल यानी कि मंगलवार का दिन दिल्ली के बाजार पूरी तरह सन्नाटे में छाए रहे, यानी कि बाजारों पर सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि लगातार हो रही सीलिंग से व्यापारी परेशान है। व्यापारियों की मांग है कि इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, लेकिन 3 महीने का लगभग समय हो चुका है सीलिंग शुरू हुए और करीब 3800 से ज्यादा दुकानें सील हो चुकी हैं, जिसको लेकर कल हजारों व्यापारी सड़कों पर उतरे और अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद किया, दुकानें बंद रखी और सीलिंग का विरोध किया। आज सीलिंग का दूसरा दिन है, आज भी लाजपत नगर में व्यापारी सीलिंग की अर्थी निकालेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। सीलिंग को लेकर व्यापारियों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। कल भी दिल्ली के बाजार बंद रहे थे, व्यापक असर देखने को मिला था, सभी दिल्ली के प्रमुख बाजार बंद रहे थे और एक बार फिर से सीलिंग के विरोध के स्वरूप में व्यापारी आगे बढ़ते हुए। और आज का जो दिन है वो लाजपत नगर में सीलिंग की अर्थी निकालने के साथ ही व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरुआत होगी। तो कल दिल्ली पूरी तरह से बंद थी और आज लाजपत नगर में सीलिंग की अर्थी निकाली जाएगी। जैसा कि इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि विरोध स्वरूप दिल्ली में 100 से ज्यादा जगहों पर सीलिंग की अर्थी निकाली जाएगी। ये विरोध की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार सीलिंग को लेकर दिल्ली में विरोध हो रहा है। दरअसल दुकानें सील की जा रही हैं और अब तक लगभग 4000 के आसपास दुकानें सील हो चुकी हैं, जिसको लेकर व्यापारी काफी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस मुद्दे पर सियासत तो खूब हो रही है लेकिन समाधान नहीं निकाला जा रहा है। 3 महीने का लगभग समय हो गया है। वहीं अगर बात करें सरकारों की, तो अरविंद केजरीवाल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, बीजेपी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई, कांग्रेस इस मीटिंग में शामिल हुई और कुछ बातें सामने आई हैं उसको लेकर अब क्या कुछ आगे सरकार का रुख होगा और क्या इस बैठक के बाद समाधान निकलेगा, यह देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। तो सीलिंग के विरोध का आज दूसरा दिन है, लगातार सीलिंग का विरोध हो रहा है व्यापारियों की तरफ से। आज दिल्ली के लाजपत नगर में बाजार बंद रखकर सीलिंग की अर्थी निकाली जाएगी। विरोध का दूसरा दिन है, व्यापारियों में सीलिंग को लेकर भारी गुस्सा है। इससे पहले कल सीलिंग की अर्थी निकाली गई थी, मुंडन कराया गया था, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया था, भूख हड़ताल पर भी कुछ व्यापारी बैठे थे। तो सीलिंग को लेकर पूरे दिल्ली में व्यापारियों का अलग अलग प्रदर्शन विरोध स्वरूप यहां पर देखने को मिल रहा है और आज सीलिंग के विरोध का दूसरा दिन है। तो सीलिंग के विरोध में व्यापारी सड़कों पर हैं, लगातार सीलिंग का विरोध कर रहे हैं। कल अपनी दुकानें बंद रखकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे व्यापारी और समाधान निकालने की मांग रखी। सीलिंग लगातार हो रही है दिल्ली में और अब तक तकरीबन 4000 के आसपास दुकानें सील हो चुकी हैं। व्यापारियों का कहना है कि दुकानें लगातार सील होने से उनके व्यापार पर तो असर पड़ ही रहा है, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, उनके दुकानों में काम करने वाले लोगों कि यहां भी समस्या है, एक दुकान से कई लोग जुड़े हुए हैं, कई परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। और ये 2-4 दिन से नहीं, 3 महीने हो गए हैं लगभग सीलिंग की शुरुआत हुए, लेकिन अभी तक सरकारों की तरफ से, विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से बातें तो कई सारी कही गई लेकिन समाधान नहीं निकाला गया। इससे नाराज हैं व्यापारी और लगातार सीलिंग का विरोध कर रहे हैं। आज सीलिंग के विरोध का दूसरा दिन है, इससे पहले भी कई बार बाजार बंद रखकर विरोध जताया गया है, समाधान नहीं निकला है अब तक। मंगलवार को व्यापक असर देखने को मिला विरोध का, जगह जगह सीलिंग की अर्थी निकाली गई, मुंडन कराया गया, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया व्यापारियों के द्वारा, भूख हड़ताल पर भी कुछ व्यापारी बैठे, लेकिन सीलिंग का समाधान अब तक नहीं निकला है। सीलिंग के विरोध का आज दूसरा दिन है लगातार और लाजपत नगर में सीलिंग की अर्थी निकाली जाएगी। कल पूरे दिन दिल्ली के बाजार बंद रहे, बाजारों में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन
इन सब के बावजूद, जब अरबों का नुकसान हुआ उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर किस तरह से इसका समाधान निकाला जाए। तो आखिर सीलिंग का समाधान क्या है? क्या बाजार बंद करके सीलिंग का समाधान निकाला जा सकता है? न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हमारी सहयोगी पूजा राठौर शर्मा। पूजा, आपसे समझना चाहेंगे, कल दिल्ली के सभी बाजार बंद रहे, व्यापारी सड़कों पर उतरे, अपनी मांगों को लेकर सीलिंग का विरोध किया और आज भी विरोध करेंगे और आगे भी विरोध करते रहेंगे। 28 मार्च को एक बड़ी महारैली का भी आयोजन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में चूंकि समाधान की दिशा में कदम क्या उठाए जा रहे हैं यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ व्यापारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जहाँ से जो कंफ्यूजन है वो हर ओर दिख रही है, पार्टियों के बीच दिख रही है, और वहीं जो व्यापारी हैं वो खुद कंफ्यूज हैं कि आखिर हल निकल क्या सकता है, क्योंकि जब वो किसी भी पार्टी से बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक जो है ये कहें कि ठीकरा दूसरी पार्टी पर फोड़ता है, जिसको लेकर इस बीच हमने देखा कि तमाम मीटिंग्स हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया, काफी आलोचना उसमें हुई, लेकिन समाधान क्या निकलेगा यही सवाल हर ओर है। और व्यापारी इस वक्त सबसे ज्यादा रोष में है, सबसे ज्यादा गुस्से में है, जिसके चलते जो कल महाबंद जो है कहा जा सकता है इसे महाबंद, क्योंकि इसका काफी असर देखने को मिला है। करीब जो 100 बड़े बाजार हैं दिल्ली के, सभी सील सभी जो हैं बंद रहे और जो व्यापारी था वो सड़कों पर था। मैं आपको बता दूं कि 100 ऐसे बाजारों में शव यात्रा जिस तरह से सीलिंग की निकाली गई और आज भी ये दौर जारी रहेगा, खासतौर पे अमर कॉलोनी और लाजपत नगर मार्केट में व्यापारी आज भी विरोध मार्च निकालने के मूड में है, यानी उनका गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान पर है ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सीलिंग की वजह से बहुत नुकसान यहाँ पर दुकानदारों को हो रहा है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि यहां पर जो दुकानदार हैं या जो व्यापारी हैं वो उनका कहना है कि हम में से बहुत हैं जो कन्वर्जन चार्ज है या जो दूसरे चार्जेस हैं वो जमा करना चाहते हैं, लेकिन आगे उसका प्रोसेस क्या हो इसके लिए निगम की तरफ से उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाया जा रहा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर व्यापारी इसका हल निकालने की कोशिश कर भी रहे हैं जिस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज सील की जा रही है तो उसका भी रास्ता उन्हें साफ नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल, लेकिन पूजा यहां पर चूंकि अगर समाधान की बात की जाए, जिनको समाधान निकालना है वो 3 महीने बाद जाग रहे हैं, चलिए जाग भी रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन समाधान तो निकले। बीजेपी को इस मीटिंग में शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था ये बीजेपी देखे, लेकिन समाधान की दिशा में तो आगे बढ़ना होगा। समाधान नहीं निकलेगा तो व्यापारी तो सड़कों पर अभी उतर आया है लेकिन पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा यदि दुकानें ही बंद हो जाएंगी। इस दिशा में सोचने की बेहद जरूरत है, इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और इसी वजह से जो है तमाम व्यापारी इस वक्त सड़कों पर दिख रहे हैं, और खास तौर पे लाजपत नगर की अगर हम बात करें तो वहां पर तो महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर उन्होंने कल के विरोध मार्च में हिस्सा लिया है। लाजपत नगर में बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी जो सड़कों पर उतरी, और जब वहां पर सीलिंग की कार्रवाई हो रही थी उस वक्त भी, मैं आपको बता दूं तब भी बड़ी संख्या में वहां पर महिलाएं मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ वो सड़कों पर उतरी हुई थी। तो इस वक्त जो है माहौल काफी गर्म है सीलिंग को लेकर, और इस वक्त समाधान की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर समाधान की बात की जाए तो मास्टर प्लान 2021 में तमाम संशोधन की बात की भी जा रही है, संशोधन करके उसे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर भी किया गया, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी दरकिनार कर दिया गया। अब एक तरफ जो है डीडी एक बार फिर से मीटिंग बुलाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ही तरफ जो सीटीआई है, जो प्रॉपर्टी डी सील कराने का जो प्रोसेस है जिसमें कई दुकानदारों को जो है दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए सीटीआई जो कि चैंबर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यापारी संगठनों के हित की बात करता है, तो वो भी एक कमेटी गठित करने की बात कर रहा है जिसके तहत अगर प्रॉपर्टी डीसील हो सकती है तो किस तरह का प्रोसेस होगा, तो इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी ताकि दुकानदारों को डीसील कराने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इस वक्त जो है मीटिंग्स का जो दौर है वो चल रहा है। पार्टियां हालांकि ये कह सकते हैं कि सियासत भी इस मुद्दे पर खूब हो रही है, लेकिन समाधान निकालने की भी अगर कोशिश पार्टीज कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, या दिखाने की, सिर्फ दिखावे के लिए ही वो सिर्फ समाधान निकालने की कोशिश कर रही है तो फिर इस मुद्दे का हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। तो बिल्कुल, क्या माना जाए पूजा की अभी सीलिंग से राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही व्यापारियों की, और आगे की अब चूंकि रणनीति क्या है, बंद भी हो गया दिल्ली, इससे पहले भी कई बार बाजार बंद रखकर व्यापारी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं लेकिन उससे कोई असर तो होता हुआ नजर नहीं आया, उल्टा नुकसान और हो रहा है व्यापारियों को, तब अब आगे की रणनीति क्या है, व्यापारी क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे वो समाधान निकालने की दिशा में और दबाव बनाएगी सरकार पर?
देखिए व्यापारियों से कल भी हमारी बात हुई, जिस वक्त वो सड़कों पर थे, विरोध कर रहे थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे हाथ में है कि अपना विरोध हम दर्ज ही करा सकते हैं, हम सिर्फ अपनी सीलिंग के लिए जिस तरह से हो रही है उसके खिलाफ हम सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में इतना ही है, बाकी सब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि ये जो दिल्ली के तमाम इलाकों में जो सीलिंग हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर हो रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को उनकी मंजूरी बहुत जरूरी है अगर ये सीलिंग रुकती है तो यहां पर व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि वो अपना विरोध यूं ही जारी रखेंगे अगर सीलिंग का कोई हल नहीं निकलता है। फिलहाल जो कल उनका एक दिन का बंद था, इससे पहले भी वो 72 घंटे का बंद वो बुला चुके हैं और कल एक दिन का जो ये महाबंद रहा काफी असरदायक रहा, विरोध उनका आगे भी जारी रहेगा और आगे भी अगर कोई हल अगर उन्हें निकलता हुआ नहीं दिखता है तो वो भूख हड़ताल करेंगे, एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे, एक बार फिर अपना जो रोष है वो जाहिर करेंगे।